तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ताइवान के इशू को लेकर। कुछ अनसुनी खबरें निकल कर आई है जो कि आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होगी, इस वजह से वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ताइवान की स्थिति आप तब समझ पाएंगे जब इस समय हम लोग यूक्रेन के बारे में दो लाइनें समझ लें। इस समय यूक्रेन के युद्ध की बात की जाए तो एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। जिन देशों ने यूक्रेन को भड़काया था युद्ध के लिए, उनमें से कोई एक भी देश प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के पक्ष में आकर रशिया के खिलाफ लड़ने नहीं आया। अल्टीमेटली सारा दारोमदार यूक्रेनियन फोर्सेस के ऊपर ही है। कुछ हथियार और पैसों की सप्लाई जरूर मिली है यूक्रेन को, लेकिन बाकी किसी तरह की कोई मदद अभी तक यूक्रेन को नहीं मिल पाई है। और यूक्रेन युद्ध के बारे में ये कहा गया है, खुद जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि ये युद्ध अभी समाप्त नहीं होने जा रहा है, यानी आने वाले कम से कम एक दशक तक ये युद्ध इसी तरह से चल सकता है। यानी सोचिए कम से कम 10 साल ये युद्ध चलने वाला है, तो 10 सालों तक यूक्रेन रशिया के खिलाफ किस तरह से युद्ध लड़ पाएगा। अब इस तरह के जब युद्ध होते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य होता है अग्रेसर का कि छोटे देश के ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरह से इन्वेड कर लिया जाए, तो ऐसे युद्ध जब पास्ट में भी हुए हैं तो वाकई में वो 5 से लेकर 10 सालों तक लंबे चले हैं। जिसमें एक एग्जांपल आप अमेरिका वियतनाम वॉर का ले सकते हैं जो लगभग 10 सालों तक चला था। इसके अलावा अफगान सोवियत वॉर हुआ था, वहां पर भी युद्ध काफी सालों तक लंबे समय तक चला था। जहां पर अमेरिका वियतनाम वॉर के दौरान सोवियत यूनियन जो कि आज का रशिया है वो वियतनाम को मदद कर रहा था, तो वहीं अफगान सोवियत वॉर जब हुआ था तब अफगानिस्तान की मदद अमेरिका कर रहा था। अल्टीमेटली ऐसे जब युद्ध होते हैं तो गुटबाजी होती है और अपने अपने गुट को समर्थन किया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर इन फ्यूचर चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध होता है तो ये युद्ध भी काफी लंबे समय तक चल सकता है, यानी 1 साल 2 साल 5 साल या फिर 10 सालों तक भी। और चाहे युद्ध को चाइना न जीत पाए लेकिन ताइवान की स्थिति वैसी जरूर हो जाएगी जैसी कि आज यूक्रेन की है, या पास्ट में वियतनाम की हुई थी, या फिर पास्ट में अफगानिस्तान की हुई थी। ठीक इसी तरह की कंडीशंस वहां पर क्रिएट हो सकती है। अब अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो ताइवान में इतनी कैपेबिलिटी तो नहीं है कि वो चाइना को पूरी तरह से हराकर वापस भेज दे और अपने आप की सुरक्षा कर पाए, लेकिन ताइवान को यहाँ पर कुछ देशों के समर्थन मिलने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अमेरिकन फोर्सेस ताइवान की मदद के लिए सीधे सीधे युद्ध में उतर कर चाइना के खिलाफ युद्ध करेगी। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि जापान भी ताइवान की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है, और जापान जिस हिसाब से इस समय अपनी फोर्सेस के ऊपर खर्च कर रहा है, जिस हिसाब से उसने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है, कहा जा सकता है कि ताइवान की मदद करने के लिए जापान भी बीच में आने वाला है। इसके अलावा अगर अमेरिका आता है तो अमेरिका के कुछ सहयोगी जिसमें नेटो देश शामिल है ये भी आ सकते हैं चाइना के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन वाकई में क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो नेटो कंट्रीज इस समय अमेरिका से वैसे ही परेशान है, और यूक्रेन युद्ध के बाद में जो क्राइसिस जनरेट हुए हैं, जो एनर्जी के हो, फूड के हो, या महंगाई के मामले में हो, तो वैसे यूरोपियन देश जो कि बड़े स्तर पर नेटो में शामिल हैं वो लोग अमेरिका से परेशान हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग अमेरिका को दोष दे रहे हैं इस युद्ध के लिए और युद्ध के बाद जो क्राइसिस जनरेट हुए हैं उनके लिए। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि अगले युद्ध में भी अमेरिका की मदद के लिए चाइना के खिलाफ नेटो देश लड़ने के लिए आ जाए। खुद अमेरिका की अगर बात की जाए तो आज से 7-8 महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें अमेरिकन एक्सपर्ट्स द्वारा ही ये कहा गया था कि अगर ताइवान मुद्दे को लेकर चाइना के साथ कोई फुल फ्लेज वॉर होती है तो इसमें अमेरिका के कम से कम 4 एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध बहुत बड़े स्केल पर हो सकता है। इसके अलावा 300 से लेकर 400 एयरक्राफ्ट भी, जो फाइटर जेट वगैरह होंगे, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अमेरिकन। तो क्या अमेरिका इतना ज्यादा नुकसान अफोर्ड करेगा ताइवान के लिए? वैसे ही हम लोगों ने कल परसों डिस्कशन किया था कि IMF द्वारा भी अमेरिका के लिए चेतावनियां जारी कर दी गई है कि आप जल्द से जल्द अपने द्वारा लिए गए लोन का निपटारा कर दीजिए, वरना आप डिफॉल्ट हो जाएंगे, और आप अगर डिफॉल्ट होते हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यही स्थिति यूरोपियन देशों की है जिसमें ज्यादातर संख्या में देश नेटो में शामिल है। जैसे उदाहरण के लिए फ्रांस का ले लीजिए, कुछ ही समय पहले फ्रांस के द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई युद्ध होता है तो ना हम अमेरिका की तरफ है ना ही चाइना की तरफ है, अल्टीमेटली ताइवान को बचाने के लिए फ्रांस तो बीच में नहीं आने वाला है, फ्रांस अगर नहीं आया तो 2-4 देशों को और वो रोक सकता है। अब ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये एक खबर के बेस पर बनाया है, और ये खबर निकल कर आ रही है जापान की तरफ से, क्योंकि जापान प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है, उसने अपना मिलिट्री बजट भी बढ़ा लिया है। लेकिन क्या वाकई में जापान भी ताइवान की मदद के लिए चाइना के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है? तो जापान के अंदर एक समाचार पत्र है जिसका नाम है असाही सिंबुन। इन्होंने दरअसल एक सर्वे किया। इस सर्वे के दौरान बताया जा रहा है कि 3000 जापानीज एडल्ट को शामिल किया गया और उनसे संभावित युद्ध के बारे में पूछा गया ताइवान के मुद्दे पर। तो इसमें से 80% लोग ये कहते हैं कि जापान को ताइवान के लिए चाइना से युद्ध नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो जापान फंस सकता है। इवन सर्वे में ये भी निकल कर आया है कि अगर जापान का ताइवान के साथ कोई फुल फ्लेज वॉर होता है
तो इस दौरान समुद्री मार्ग जाम हो जाएगा और 90% ऊर्जा जरूरतें जो जापान की होंगी और साथ ही 60% खाद्य आपूर्ति के लिए जो जल मार्ग इस्तेमाल किया जाता है जो जापान तक खाना पहुंचाता है, ये सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। तो जापान के लिए बहुत ज्यादा क्राइसिस जनरेट हो सकते हैं केवल युद्ध होने से। युद्ध में कूदकर ताइवान की मदद करना तो आप छोड़ दीजिए, अगर दोनों देश लड़ते हैं चाइना और ताइवान तब भी जापान के लिए ये सारे क्राइसिस जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल रास्ते पर ही ये युद्ध होगा जो रास्ता जापान तक जाता है। इसके आगे सर्वे में ये भी पाया गया कि 56% लोग ये कह रहे हैं जापान के कि ठीक है, अगर ताइवान और चाइना का युद्ध होता है, बीच में अमेरिका आता है, तो हमने मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन वो मदद डायरेक्टली युद्ध लड़के नहीं, बल्कि खाना पहुंचा दिया, चिकित्सा के उपकरण पहुंचा दिए, या हमारी जमीनों का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी, इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह कर दी, यानी केवल एक बाहरी सपोर्ट तक ही जापान सीमित रहे। और जापान के केवल 11% लोगों ने ही ये कहा कि हाँ, चाइना के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का सहयोग करना चाहिए। यानी जापान के अंदर केवल 11% लोग ही ये चाहते हैं कि ताइवान को बचाने के लिए आप जाइए, फोर्सेस भेजिए और चाइना से युद्ध लड़िए, बाकी लोग नहीं चाहते। और इस समय की अगर बात की जाए जापान की, तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जापान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। इस समय भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर है वो अगली बार आ जाए ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर सरकार आती है, कुछ नीतियों में परिवर्तन होता है, तो परिस्थितियां और ज़्यादा गंभीर हो सकती है और ये सारी की सारी बहुत दुखद होगी ताइवान के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग भारत की भी बात कर ले, तो भारत भी किसी तरह की कोई मदद नहीं करेगा। भारत भी यहाँ पर तटस्थ बना रहेगा, जैसा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा। थोड़ी बहुत बाहरी मदद जरूर कर देगा, मिलिट्री एड भेज सकता है, चिकित्सा एड भेज सकता है, इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह कर सकता है अमेरिका के साथ, चूंकि कई सारे सहयोग हमारे हो रखे हैं, तो कुछ हद तक वैसी मदद मिल सकती है, लेकिन बाकी डायरेक्टली युद्ध तो हम भी नहीं करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ताइवान पड़ जाएगा अकेला। अगर युद्ध होता है तो वो लंबे समय तक चलेगा और इस युद्ध के दौरान केवल सहयोगी देश हथियार प्रोवाइड कराने तक ही सीमित रहेंगे, इसके अतिरिक्त कोई मदद नहीं की जाएगी। इस वजह से थंबनेल पर लिखा गया कि ताइवान को जरूरी है कि वो इसराइल की भांति इस समय अपने आप को तैयार करे। और जिस हिसाब से इसराइल को पता था शुरुआत से कि कोई मदद के लिए नहीं आएगा, हमें अकेले ही लड़ना है, इस वजह से उसने अपनी सारी तैयारी खुद करके रखी और जितने भी युद्ध लड़े वो सारे के सारे जीते। अब ताइवान की पोटेंशियल की बात की जाए तो वो इसराइल से भी ज़्यादा है, केवल जज्बात की कमी है बस, बाकी रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पैसा है उनके पास, टेक्नोलॉजीज है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने अब इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान न देते हुए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए। किसी जमाने में ताइवान ने शुरू भी किया था, लेकिन बाद में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। तो इस प्रोग्राम को रीस्टार्ट करके अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी रास्ता ताइवान के पास नहीं बचता।